एवरीवन एंड वेलकम टू रियल वर्ल्ड। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ऊप्स। ऊप्स इट्स मीन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। जानेंगे इस क्लास में क्लासेस क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, अब तक जो हम मेन फंक्शन में कोड लिखते आ रहे थे उसका मतलब क्या है, साथ ही साथ इनहेरिटेंस जैसे कॉन्सेप्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, कुछ कुछ नए कीवर्ड्स जानेंगे। अब ऊप्स को पढ़ना दो रीजंस की वजह से इम्पोर्टेंट है। कॉज, जितनी भी मॉडर्न लैंग्वेजेस हमारे पास आ रही हैं प्रोग्रामिंग, वो सारी की सारी ऊप्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। ऊप्स के कॉन्सेप्ट अप्लाई होते हैं, ताकि अगर एक लैंग्वेज से दूसरी ओरिएंटेड लैंग्वेज में शिफ्ट हो तो कॉन्सेप्ट जो हमारे हैं वो कोर से काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो। अब हमें जानना ज़रूरी है कि ऊप्स काम कैसे करता है। सेकेंड रीज़न ये है कि जब भी हम प्लेसमेंट में बैठते हैं तो इंटरव्यू में हमसे ऊप्स के कॉन्सेप्ट के हवाले से सवाल पूछ लिए जाते हैं। हमें जानना ज़रूरी है उन कॉन्सेप्ट के बारे में, हमें पता हो उन्हें अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि कभी कभी रिटर्न में वो हमसे कोड लिखवा लेते हैं। इसलिए हमारे कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा क्लियर होने चाहिए कि ऊप्स के इस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करके कोड लिखें। ये जावा के अंदर भी होता है और C++ के अंदर भी होता है। अब क्लास को शुरू करते हैं और लेक्चर के नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिसमें जावा ऊप्स डिस्क्राइब है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे पूरा का पूरा ऊप्स। शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की क्लासेस की एंड ऑब्जेक्ट्स के साथ। अब बात करें अगर क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स की, तो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स को इसलिए प्रोग्रामिंग में इंट्रोड्यूस किया था कि ताकि हम रियल वर्ल्ड में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको प्रोग्रामिंग के थ्रू एनकोडिंग के थ्रू इजिली सॉल्व कर सकें। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक पेन है जिसका कलर है ब्लू। हमने डिफ्रेंशिएट करना है, हमारे पास काफ़ी सारे पेन हैं, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट किस तरह करेंगे कि हमें पता चले कि इतने सारे पेनों में ये हमारा ब्लू पेन। अब हमारे पास मल्टी कलर में पेन्स पड़े, फॉर एग्जाम्पल ब्लू, पर्पल, ऑरेंज, ब्लैक, ETC। अब हमने ये मालूम करना है कि उनके अलग अलग कलर्स से हम हिसाब लगाएंगे। सो या गाइस, अब मैं करने लगा हूँ कोडिंग। अब आपने मेरी लैपटॉप की स्क्रीन के साथ कनेक्ट रहना है। और सेकंड चीज़ ये कि अब अगर आपको भी कोई चीज़ नहीं समझ आती, देन इसके डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक मेंशन है, आप वहाँ पे मुझे आगे DM करें, देन फर्दरली मैं आपकी सारी कंप्लेन दूर करूँगा। और मैं एक और बात बताना चाहूँगा, इस वीडियो को मैं दूसरी दफ़ा बना रहा हूँ, बिकॉज पहली दफ़ा जब मैंने बनाई तो मैंने 1 hour लगा के ये वीडियो बनाई, फिर देन क्या हुआ, वीडियो में आवाज़ नहीं आई। वाह, मतलब कुछ भी। अब मैं दोबारा वीडियो बना रहा हूँ, इतनी मेहनत की है। अब मैं जो कोडिंग करने जा रहा हूँ वो स्क्रीन के ऊपर है, अब आप उसको देखें, समझें, इजीली है, सारी आपको समझ आ ही जाएगी। हर एक सिंगल फाइल के अंदर, जैसे एक फाइल का नाम है oops.java, तो इसके अंदर एक पब्लिक क्लास बन सकती है कॉल्ड ऊप्स। अब हम मान लेते हैं हमने एक और क्लास बनाई है जिसको हमने नाम दिया है पेन।